हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं लेकर आई हूँ चाइनीज़ की फेमस रेसिपी, वो है चाइनीज़ भेल। ये रोड साइड बहुत ही फेमस रेसिपी है, इसे आप बहुत ही पसंद करेंगे। इसे घर पे कैसे बनाना है आज ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आप लोगों को मेरी सारी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं चाइनीज़ भेल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिया है कैबेज पत्ता गोभी, जिसे मैंने लंबे लंबे कट करके लिया हुआ है। फ्राइड नूडल्स लेंगे, आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है सेजवन सॉस, सेजवन चटनी है जो, जिसे मैंने होममेड बनाया हुआ है। इसकी रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद एंडी पे भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है प्याज की हरी पत्तियाँ, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। स्प्रिंग ऑनियन है जो, इसे मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं चाइनीज़ भेल। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है, बाउल में हमें सबसे पहले ऐड करना है फ्राइड नूडल्स। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी, कैबेज, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेजवन सॉस। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम पसंद हो तो आप इसमें कम ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाइनीज़ भेल हमारा रेडी है, बस अब इसे हमें सर्व करना है, तो इसे सर्व कर लेते हैं। चाइनीज़ भेल हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं कितना क्विक बन जाता है। आप इसे घर में ही बनाइए, घर में ही खा सकते हैं, बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।